हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बैरोमीटर की। जे लेवल पे टॉपिक बहुत छोटा सा है, ये सब अपन एंटर में पढ़ाते थे, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए चलो डिस्कस करते हैं अपन बैरोमीटर। सबसे पहले अपन जानते हैं कि बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है। ये इस्तेमाल करते हैं अपन एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन 1 atm नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, 1 atm, या फिर 1 atm को ही क्या बोलते हैं अपन, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन फ्लूइड्स में, पास्कल भी बोलते हैं। मतलब 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रहती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वेरी भी करेगी ऊपर नीचे जाएंगे तो अपन। अब इसे मेजर करना है आपने तो जो एपरेटस है वो काफी आसान इजी है। क्या इस बार आप होते एपरेटस में, एक लिया हमने टब, एक कंटेनर बड़ा था जिसमें मरकरी भरी हुई है। इस कंटेनर के अंदर यह है मरकरी बाथ टब, मतलब नहाने नहीं लगना है ना, मरकरी बाथ टब है, मतलब बड़ा सा कंटेनर है जिसमें मरकरी रखी है। मरकरी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, HG। अब इसमें एक ट्यूब लिया हमने, सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया हमने, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, और इसको भी पूरा भर देंगे मरकरी से। यह है ट्यूब फिल्ड विद मरकरी, HG मतलब मरकरी है ना। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया, वो भी मरकरी से फिल्ड है। ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 meter। लेंथ ऑफ ट्यूब शुड बी, जो ट्यूब की लेंथ है वो होनी चाहिए नियरली 1 meter के आसपास। ये अब होगा क्या, करना क्या है, ट्यूब को पूरा भर दिया हमने, पूरा भरने के बाद इसके टॉप को थंब से अंगूठे से दबाया या फिर जैसे भी, और यहां से उठा के इस ट्यूब को उड़े लिया इस पूरे बाथ टब के अंदर। मतलब ये ट्यूब को यहां से रखा हमने ये, और ओपन एंड को अंगूठे से दबाया और ये ला करके इसके अंदर ये ऐसा छोड़ दिया। मतलब शुरुआत में सीन कुछ ऐसा नजर आना चाहिए आपको, शुरुआत में जब ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा भरा हुआ है शुरू में, है ना, ध्यान देना। अब हमने पढ़ा है कि फ्लूइड्स में इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, तो शुरुआत में ये मान लो ए पॉइंट और यहां पे इसके अंदर का ये मान लो बी पॉइंट, तो ए और बी पे प्रेशर होगी डिफरेंट, क्योंकि वहां पे लिक्विड कॉलम में काफी ज्यादा मरकरी है, तो वहां पे मरकरी का लेवल गिरना शुरू होगा। ट्यूब में मरकरी लेवल विल स्टार्ट टू ड्रॉप डाउन, धीरे धीरे नीचे आनी शुरू होगी है, और ये कब तक नीचे आती रहेगी, जब तक के ए और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम ना हो जाए। तो मरकरी लेवल इन सिलेंड्रिकल ट्यूब विल कीप ऑन फॉलिंग। ये लेवल गिरता रहेगा, कब तक गिरता रहेगा, जब तक ए और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम ना हो जाए, अंटिल प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी बिकम इक्वल। जब दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम हो जाएगा तो फिर इसका गिरना बंद हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट के स्टेज में क्या होगा कि शुरू में तो भर के लिए क्या आया, गिरना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप गिरना बंद हो गया, मतलब कि मरकरी लेवल ड्रॉप डाउन करके किसी एच हाइट की कॉलम तक जाके ये रुक गई। क्लियर है पॉइंट ये, तो ये जो ऊपर पहले था कुछ नहीं था, भरी थी मरकरी, ये हो गया वैक्यूम। इस वैक्यूम को बोलते हैं टॉरिसेली वैक्यूम,
टॉरिसेली वैक्यूम, जिन्होंने बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट दिया। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? टॉरिसेली ने दिया। तो जब लेवल मर्करी का लेवल ड्रॉप करता नीचे आएगा तो ऊपर का ये जगह जो बनेगा वो वैक्यूम होगी, तो उसे बोलते हैं टॉरिसेली वैक्यूम। अंत में क्या है? प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी। ए पर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और बी पे जो प्रेशर है ऊपर में तो कुछ है नहीं यहां पे वैक्यूम में, तो बी वाले पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के इतने कॉलम की वजह से होगा। कौन से फ्लूइड है ये? मर्करी। तो बी पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच पी नॉट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे एटमोस्फेयर प्रेशर कितनी है? 1.01 × 10⁵ पास्कल रो, मतलब डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? मर्करी की। मर्करी की डेंसिटी कितनी है? 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल ग्रेविटी 9.8 × h। तो यहां से h जो है आ जाएगा आपका 0.76 सेंटीमीटर नियरली, 0.76 मीटर नियरली, या फिर सेंटीमीटर में कर दें तो 76 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कर दें तो 760 मिलीमीटर। ये मतलब मर्करी कॉलम का 766 mm का जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करेगा एक एटमोस्फेयर, वो बराबर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के 180 एम के, या फिर ये जो है 1.01 × 10⁵ पास्कल। क्लियर है पॉइंट? ये तो ये मर्करी कॉलम, मतलब के इसे लिख सकते हैं आप, मुझे ऑर्डर में लिखते हैं यहां लिखू मैं। अब मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm इज इक्वल टू 180 एम, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये है बैरोमीटर का फंडा। अभी मान लो कि जो हाइट कम ज्यादा होगी तो प्रेशर कितने कम ज्यादा होगा निकाल सकते हैं अपन। मान लो 760 की जगह आ गया 1520 mm, मतलब 280 एम प्रेशर। इस तरीके से प्रेशर कम ज्यादा जो वेरिएशन है वो आप मर्करी कॉलम के हाइट को देख के बता सकते हैं। किस मर्करी कॉलम की जितनी हाइट होगी बॉटम पे उतना ही प्रेशर होगा, जितना बी पॉइंट पे प्रेशर होगा वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर है पॉइंट? ये एक चीज और पूछते हैं वो कि बैरोमीटर्स में वाटर क्यों नहीं यूज करते। आप सोचो व्हाई डोंट वी यूज वाटर इन बैरोमीटर। जो मर्करी कॉलम से हमने बनाया है बैरोमीटर उसके जगह पानी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं आप, अगर करेंगे तो होगा क्या? 1.01 × 10⁵, ध्यान देना यही क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये डेंसिटी मर्करी की थी, पानी की आ जाएगी 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, जी 9.8 × h, तो जो h आएगा वो नियरली आएगा 900 सेंटीमीटर के अराउंड। ये कार्पेट कर लो 950 के अराउंड आएगा, 950 सेंटीमीटर के अराउंड कुछ वैल्यू आएगी। आप सोचिए कि 76 सेंटीमीटर मतलब एक मीटर इतना बड़ा होगा लगभग, तो वो अफोर्डेबल है। 9-9 मीटर की ट्यूब, 9-9 मीटर की ट्यूब, तो वो पोर्टेबल नहीं रह जाएगा बैरोमीटर। तो वाटर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर वाटर यूज करोगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए वाटर कितनी हाइट चाहिए? 950 सेंटीमीटर, मतलब कि 950 × 9.5 मीटर की लंबी ट्यूब चाहिए आपको, तो वो पोर्टेबल नहीं होगा। अगर जहां बन जाएगा फिर वही यूज करना पड़ेगा आपको इसलिए। और कौन से रूम की सीलिंग होती है 950, 9 मीटर 10 मीटर की सीलिंग किसकी होती है? कौन से कमरे की? जनरली नहीं होती, इसलिए वाटर अपन यूज नहीं करते। तो छोटी सी बात ही बैरोमीटर की, आई होप ये सब चीजें आपको पहले से मालूम होंगी, नहीं होंगी तो मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया इसका। मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। किसी किस्म की परेशानी हो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।